नमस्कार दोस्तों, हम लगातार उन महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं जो कि आज भी डेरा सच्चा सौदा की संस्था में उपस्थित है। जानते हैं उनसे बातचीत करके कि क्या कारण है जो कि वो आज भी डेरा से जुड़ी हुई हैं, क्या कारण है इसके पीछे, जानते हैं उनसे लाइव बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका नाम? नीता। कितने समय से आप डेरे से जुड़ी हुई हैं? धन सतगुरु, 13 या 25 साल हो गए यहाँ आते। आप इतने लंबे समय से डेरे से जुड़ी हुई हैं, एक महिला हैं, तो आपको क्या लगता है आपका यहाँ ना सेफ है? बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और 16 तारीख को आई थी मैं, इसको मरी हुई आई थी, और आज देख मैं आपके सामने बोल रही हूँ। मेरे मुँह है ना सारा सूज गया था, यहाँ खाली और उल्टी, बहुत बुरा हाल हो जाए ऐसा मरी। फिर मेरी लड़की यहाँ सेवा कर रही थी, वो मेरे पास गई, वो मेरे को लेके आई यहाँ, और 16 तारीख को डॉक्टर को दिखाया और देख मैं सही हुई एकदम। क्या हो गया था आपको? मेरी आँख में इन्फेक्शन बढ़ गया था बहुत तगड़ा, यहाँ फुंसी फुंसी हो गई थी, सारा बेकार हो गया था, आँख बंद हो गई थी इतनी सोच के। अभी आपको यहाँ रह के यहाँ सेवा करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ऐसा मन करता है यहीं रहे। आप काफी समय यहाँ रही हो, आपने सेवा की है काफी, आपने यकीनन काफी जानकारी आपको होगी यहाँ के बारे में, तो थोड़ा स्पष्ट तरीके से बताइए कि किस प्रकार की सुविधा आपको यहाँ दी जाती है, कैसे सेफ्टी आपके लिए यहाँ रखी जाती है? यहाँ सारी सेफ्टी है, नारी नारी गुरु जी समझाते हैं आपस में, बेटा प्रेम करो, झूठ मत बोलो, और आपस में ये चोरा चप्पा ये मत करो, और अपना नाम जपो। क्या गुरु जी को समाज में होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्या किया है गुरु जी ने समाज के लिए? बहुत कुछ किया है समाज के लिए, प्रेम में आपस में बहनों को जोड़ते हैं, आपस में प्रेम दिखाते हैं। आप और गुरुजी के बीच में क्या संबंध है? बस हमारा नाम ले रखा है, अपनी सेवा करते हैं, नाम ले करते हैं, लंगर खाते हैं बस। तो क्या आप आगे भी डेरे से जुड़ी रहेंगी? हाँ। आज भी आपकी इतनी आस्था है, इतना विश्वास है, कहीं अंधभक्ति तो नहीं? नहीं, बहुत विश्वास है हमें गुरुजी पे, बहुत ही, पूरा परिवार को है हमारे। आप अपनी वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं गुरुजी जल्दी से जल्दी डेरे में आ जाए बस। सरकार से क्या अपील करोगे? हम कह रहे हैं ना हमारे गुरुजी को छोड़ दो और हमारे डेरे में भेज दो। जी मैम, धन्यवाद।